और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब करा है, और अभी मेरे हो चुके हैं 65,000 सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो मच। तो मैंने जस्ट अभी चेक करे भाई मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, तो अभी मैं भाई गुजर रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर से, और बड़े मतलब रास्ता बंद किया हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर इन्होंने अभी। 7 बजे के बाद वैसे भी वॉकिंग स्ट्रीट का रास्ता बंद कर देते हैं ये, बट अभी बजे 4:30 हुए हैं। और जो आज की वीडियो होने वाली है भाई, आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई आपने देख ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल। और अगर किसी ने भाई लाइक नहीं ठोका तो भाई लाइक जरूर ठोक दिया करो, और कमेंट कर दिया करो भाई वीडियो के अंदर अगर कोई कमी पेशी हो तो इम्प्रूव करेंगे भाई अपनी कमी पेशी इन आने वाले समय में। आज की जो वीडियो है भाई, आज की वीडियो जो है विला के ऊपर है, प्राइवेट विला जो कि पतिया के अंदर प्राइवेट विला है। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा एक प्राइवेट विला, तो लेके चलते हैं आपको वो वाले प्राइवेट विला पे। जाने से पहले यार मुझे लग गई है भूख, पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा विला पे। देखते हैं भाई, पहले कुछ ढूंढते हैं पतिया के अंदर क्या है खाने के लिए, तो चलते हैं पहले खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई पतिया के अंदर ट्रैफिक बहुत हो चुका है, देख सकते हो ये है सेकंड रोड, और यहाँ पर अभी देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो एक्चुअली मेरे को उस साइड जाना था बट ट्रैफिक की वजह से मैं यहाँ से ऑपोजिट साइड जा रहा हूँ, तो देखते हैं कोई अगर इधर कुछ मिलता है खाने के लिए। और पतिया के अंदर काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, जो पुराने रेस्टोरेंट थे वो भी खुल रहे हैं और नए रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, और ट्राई करेंगे धीरे धीरे सब रेस्टोरेंट के अंदर फूड। वैसे तो मैं थाई फूड भी खा लेता हूँ जैसे आपको पता ही है। तो यार ट्रैफिक होने की वजह से यार मैं वापस जा नहीं पाया, उस साइड जाऊँगा तो अभी टाइम लग जाएगा, तो चलते हैं यहाँ से सीधा। और यहाँ पर एक 7-Eleven है, वहाँ पर चलते हैं 7-Eleven से कुछ लेते हैं और आपको दिखाते हैं 7-Eleven का भी माहौल यहाँ पर। और भाई 7-Eleven के अंदर आ गया हूँ, और एक चीज़ अच्छी कर दी इन्होंने, मास्क फ्री कर दिया 7-Eleven के अंदर, अब आपको मास्क डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली भाई आ गए हैं 7-Eleven से, और एक मैंने एनर्जी ड्रिंक ली है, ये इसको बोलते हैं स्पॉन्सर बोलते हैं, और साथ में मैंने लिया है चीज़ सैंडविच। नॉर्मली 7-Eleven से मिल जाएगा चीज़ सैंडविच, और अगर आपने कोई वेज फूड लेना तो वेज फूड भी मिल जाएगा आपको 7-Eleven में। पहले भाई खा लेते हैं उसके बाद आपको लेके चलते हैं सीधा वो वाली जगह पे, मिलते हैं आपको एक साइड में सीधा वहां पर। तो ये है भाई विला का जो गेट, इसका जो मेन एंट्रेंस है। आज की रात हम रुकेंगे विला के अंदर, और देख सकते हो ये विला का नाम है डी बाली हाउस बाय VS विलास। तो शायद मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक विला की वीडियो दिखाई थी जो कि VS प्रॉपर्टीज के नाम पे है, तो उनका ही विला है ये। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं यार पतिया के अंदर काफ़ी विलाज हैं तो कैसे बुक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि Airbnb से भी कर सकते हो आप बुक, उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ से सीधा डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से सीधा बुक कर सकते हो। काफ़ी जो कि फैमिलीज आती हैं यहाँ पर घूमने के लिए तो उनको प्राइवेट विला, कुछ लोग मुझे पूछते हैं यार प्राइवेट विला चाहिए उनको, तो उनके लिए एक बड़ी बेस्ट ऑप्शन है ये वाला विला। मैं आपको दिखाने भी आया हूँ और यहाँ पर रात भी रुकूंगा, और इस विला के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इस विला के बारे में मैं आपको सारा बताऊँगा, इसके अंदर कितने रूम हैं और किचन कितने हैं और टॉयलेट कितने हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा इसके। वो भी मैं हूँ इस लिविंग रूम में जो कि विला के अंदर लिविंग रूम में देख सकते हो, इसको मैं दिखाऊँगा आपको सिनेमेटिक शॉट में। तो चलते हैं भाई सिनेमेटिक शॉट में, दिखाते हैं आपको और बताना भाई कैसा है ये विला। पीछे देख सकते हो भाई एक स्लाइडर है यहाँ पर, और ये सीधा स्लाइडर जाता है स्विमिंग पूल के अंदर, और काफी बड़ा स्विमिंग पूल है इसके अंदर, क्या बात है। और बाहर की साइड ही भाई यहाँ पर है पूल टेबल लगा हुआ है बहुत बड़ा, देख सकते हो। जो विला के अंदर बहुत सारा फर्नीचर है आपको दिखाता हूँ, जो लिविंग रूम है उसके अंदर बहुत सारा फर्नीचर है, कम से कम 10 से 15 लोग वहां पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अपना।
हमारे एक आज फ्रेंड है बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? माय नेम अलोना। अलोना, तो भाई अलोना है हमारे साथ, सो शी इज फ्रॉम रशिया। आज मेरे को ये विला दिखाएंगे यहाँ पर क्या कितने रूम है क्या है। सो हाउ लॉन्ग यू बीन हियर? In Thailand. 5 years. तो भाई 5 साल से है अलीना यहाँ पर। अलीना से पूछते हैं how many rooms in this villa? There is 4 rooms and big living room. Big living room. Yes, yes, okay. तो भाई यहाँ पर 4 bedroom है और एक बड़ा बेडरूम है और एक लिविंग रूम है जो कि किंग बेडरूम बोल सकते हो आप उसको। वापस जा रही है तो नाइस टू मीट यू अलोना, सी यू समडे अगेन। तो भाई बहुत अच्छी लड़की है, ये रशिया से है। कमेंट्स में बताना यार इसके सिनेमैटिक शॉट आपको कैसे लगे। और ये वाले विला में रात को भाई स्टे है मेरा और स्टे करेंगे और चिल करेंगे भाई। मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं तो उनके साथ पार्टी करेंगे, प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे, शायद वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर भाई 15 लोग रह सकते हैं। अभी मैं बैठा हूँ जो कि इनका मेन लिविंग रूम है और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है और करोके भी लगा हुआ है। यहाँ पर आप अपना गाने वाने गा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप कभी भी आते हो रात के 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते क्योंकि आसपास की जो सोसाइटी है, आसपास विला है, तो ज़्यादा आप शोर नहीं मचा सकते। और दिन में आप पार्टी कर सकते हो, अगर मान लो आपने दिन में पार्टी करनी है यहाँ पर तो आप अपनी फुल लाउड में स्पीकर पर गाने चला के अपनी फुल पार्टी कर सकते हो। और यहाँ पर एक पूल टेबल भी है, आप पूल भी खेल सकते हो और स्विमिंग पूल भी बहुत शानदार है, आपने देखा ही होगा। और इसकी किचन भी दिखाता हूँ, एक छोटी सी बार भी बनी हुई है यहाँ पर, देख सकते हो ये मेरे पीछे जो कि छोटी सी एक बार बनी हुई है। और यहाँ पर आप अपने दारू शारू के पैक बना सकते हो, अगर आप कभी भी आते हो यारों दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करनी है तो यहाँ पर बेस्ट प्लेस है ये वाली बैचलर पार्टी करने के लिए। और बात करें कि ये विला कहाँ पर है, तो भाई पतिया के अंदर है ये विला। और हाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया आपको, जो इसकी जो लोकेशन है, आप जब कभी भी एयरपोर्ट से आते हो यहाँ पर पतिया बस स्टेशन पे आते हो, आप जब एयरपोर्ट से बस चलती है जो वहाँ से 130 बार लगते हैं, तो आप जब पतिया आते हो तो उसके बिल्कुल ही नज़दीक है ये वाला विला। तो अगर आप कभी भी आ रहे हो तो आप मतलब वॉक करके भी आ सकते हो ये वाले विला में। तो इसकी मैं जो डिटेल है वो सारी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी भाई को समझ नहीं लग रही तो भाई आप मुझे DM कर सकते हो, तो मैं अपना पैट्रॉन का लिंक दे रहा हूँ नीचे, तो पैट्रॉन में जाके मेरे साथ बात कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता, तो भाई पैट्रॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ पैट्रॉन का, वहाँ पर जाओ और मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर जाके भी फॉलो कर सकते हो मुझे आप। तो यार आज की वीडियो यही एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो अगर आपको बढ़िया लगी है वीडियो तो यार लाइक कमेंट शेयर ठोकना मत भूलना। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, ये वाले ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ।